नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछु माधुरी प्रथमे हेडलाइंस तदंत करबा को आसी हरण घणारे पुलिस बोलगड़ थाना गाड़ी को अटक रखिले ग्रामवासी गिरफ्तारी को विरोध करी पुलिस ऊपर आक्रमण दुई पुलिस कर्मचारी आहत गजपति पुणी जननी जंत्रणार चित्र रास्ता नथिबारु आसी पारिलानी आंबुलांस तिले किलोमीटर दौड़े बुहाले प्रसूति नवजात स्वास्थ्य अवस्था संकटापन्न होबारु बड़ डाक्तरखाना को स्थानांतरित आज डीजीपी सम्मेलन उद्यापनी अधिवेशन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी पुलिस सेटअप आधुनिकीकरण देवे मंत्र सम्मेलन में साइबर अपराध डाटा गवर्नांस आतंकवाद मुकाबला उपरे गुरुत्व आज राजस्थान सरकार कैबिनेट पुनर्गठन शपथ ग्रहण उत्सव में 11 जन कैबिनेट 4 जन राष्ट्रमंत्री पदर ने शपथ शनिवार पूरा मंत्रिमंडल देखा इस्तीफा विपदने श्रीमंदिर रत्न भंडार एएसआईर रिपोर्ट पर भी चेतिले राज्य सरकार मरामती दिगरे नहीं आंतरिकता केबे हेबो महाप्रभु रत्न भंडार मरामती उठला प्रश्न भारतीय नौसेना को मिल शक्ति आज नौसेन सामिल हेबो आईएनएस विशाखापट्टनम मुंबईर नाभाल डकयार्ड आयोजन हेबो स्वतंत्र उत्सव जोगदेवे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दक्षिण ओडिशा रे बढ़िबो वर्षा राज्य में आहुरी दुई रु तीन दिन कोहला पाग सह हालुका वर्षा ने पूर्वानुमान रातिर तापमात्रा दुई रु तीन डिग्री पर्यंत बढ़िबार संभावना चार दिन जाए अनुभव हेबनी विशेष शीत एवं कैनवास उपरे रंग तुलीर कमाल शिल्पी हाथर स्पर्शन जीवंत हो उठी भगवान बुद्धों चित्र 20 फुट लंबा व 8 फुट उच्चतार भगवान बुद्ध चित्र अंकी प्रशंसा साउंटुंट चित्रशिल्पी गजेन्द्र साहू आज संपूर्ण खबर को बोलगड़ थाना पुलिस गाड़ी को अटक रखिले ग्रामवासी बोलगड़ पंचायत मरदापाड़ी ग्राम से देखा मिली एभली घटना मरदापाड़ी ग्राम से एक चोरी मामलें पुलिस दुई दिन तले तीन जन व्यक्ति को थाना अटक रखी तदंत जाए ग्रामवासी उत्तेजित हो पुलिस गाड़ी को अटक रखा सह पुलिस कर्मचारी को ठेलापेला घटनास्थल में दुई पुलिस कर्मचारी आहत होते स्थानीय लोक प्रतिनिधि हस्तक्षेप पर ग्रामवासी अटक रखिता पुलिस कर्मचारी को छाड़े ए संपर्क में बोलगड़ थाना अधिकारी घटनास्थल में उपस्थित थे एपरी किसी होनी कही एड़ाई जा बाबद अधिक सूचना पाई हम सहित फोन लाइन जोड़ी हुई हम रिपोर्टर विष्णु प्रसाद कर विष्णु पूरा घटनाक्रम कौन रही थिला? हाँ माधुरी कह रखे गत काली बोलगड़ा थाना मरदावाड़ी रे गोटे गिरफदारी की नहीं जिते पुलिस जाता अनुसंधान करने को से समय रे ग्रामवासी मैंने पुलिस को अटक रखी थे दीर्घ तीन घंटा काल अटक रखी थे गोटे प्रकार कह गले खोर्धा पुलिस ग्रामवासी आगे नीरव दस्ता साजी एपरी होता जे स्थानीय लोक प्रतिनिधि मानते थे सरपंच हूँ कि समी सभ्य हूँ जिला परिषद घटनास्थल हस्तक्षेप कर ग्रामवासी मैंने पुलिस को छाड़ी थे अंपटे जो देखा गले पुलिस स्थानीय आईआईसी मैडम सहित जोजोग करते से घटना संपर्क में किसी कहू नु गोटे कथ स्पष्ट गिरफ्तारी को लेकिन विभिन्न नाना प्रकार प्रश्न उठू जदि गिरफ्तारी होती पुलिस उपर आक्रमण होती दुई जन पुलिस कर्मचारी गुरुतर आहत होती हाथ भांगी थी जहां सूचना मिलू पुलिस आईआईसी घटना संपर्क में किसी गणमाम को न कह पुलिस भूमिका उपर प्रश्न उठू अंपटे देखा गले आम जो खोर्धा एसडीपीओ सुशील कुमार मिश्र सहित जोजोग करूँ से गोटे कथा कहते ग्रामवास जो पुलिस उपर आक्रमण कर गोटे मामला रुजु कराइवा सूचना मिली ओके विष्णु प्रसाद जो कथा कहते हैं बोलगड़ थाना अधिकारी घटनास्थल को जाते सेठे उपस्थित रही थे किंतु किसी होनी एभली कहते दूर जुक्ति अंपटे आईएससी नीरवता साजिंट
ନିହାତି ପକ୍ଷେ ବିସ୍ମି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବି କାଲି ଲଗାତାର ରାତି 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଏସିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ କଣ ହେଇଛି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆଇଏସି ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ କିଛି ହେଇନି ଯେହେତୁ କିଛି ଏଇ ଯୋଉ କିଛି ହେଇନିର ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ପୁଲିସ ଯୋଉ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏଇଟା ଠିକରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା ନା କିଛି ତା ଭିତରେ କିଛି ଗିରଫଦାରୀ ପଛରେ କିଛି ରାଜନୈତିକ କାରଣ ଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଲିସ ଆଜି ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ମାନେ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି बिल्कुल आम पूर्व अनेक घटना देखीछु जो कि पुलिस आईन व्यवस्था व पुलिस कार्यकलाप किभली थाए ता आम पूर्व देखीछु आ घटनार सीधा सड़क बारी भी पड़ी कोटना कोटि आम राज्य में आईन व्यवस्था भुसुड़ी पड़ी विष्णु प्रसाद ମୁଁ ରଖେ ପୁଲିସ ଏଠି ରାଜନୈତିକ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରିତ କରୁଛେ ପୁଲିସର ଭୂମିକା ନେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯାହା ହଉ ପରିବାର ମ୍ୟାଟର ହଉ କି ଶୂନ୍ୟ ମ୍ୟାଟର ହଉ ବିଭିନ୍ନ ମ୍ୟାଟରରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପୁଲିସ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀର ଇସାରାରେ ନାଚୁଛି ଗୋଟେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହବ ପୁଲିସ ଆଇଆଇସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ସେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଦେବେ ଏଇଟା ଏହାକୁ ବଢିକି କିଛି ଲଜ୍ଜାକର ବିଷୟ କିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନାହିଁ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ପୁଲିସ ଯେହେତୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା ସେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ 3 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଅଟକ ରହିଲା ଦୁଇ ଜଣ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ହାତ ଭାଙ୍ଗିଲା ଏଇ ଯାଙ୍କେ ପୁଲିସ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଉନି ମାନେ ଏହାର ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯାହା ବି ଶୁଣାଯାଉଛି ପୁଲିସ କିଛି ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କିଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ओके वर्तमान समय आईएसी हूँ बा इस संपर्क में बोलगढ़ थाना अधिकारी कौन से प्रतिक्रिया ना कौटना कौटे गोटे विड़मार विषय पूर्व धन्यवाद विष्णु प्रसाद रिपोर्टर फोन लाइन जोड़ देते परवर्ती खबर को गजपति जिले में पुणि जननी जंत्रणा रास्ता नसीपारानी आंबुलांस 3 किलोमीटर दोलारे बुहा हेले प्रसूति नवजात शिशु गजपति जिला मोहना ब्लक हुएरी गाँव आसी एभली चित्र गत 15 तारीख में एक पुत्र संतान जन्म देते शकुंतला मल्लिक अधिक रक्तस्राव हेबारु शुक्रवार अवस्था गुरुतर होता तेज गाँव को रास्ता नथिबारु दोला करी 3 किलोमीटर गंटापदर पर्यंत आनी पर लोके एक ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ନିଆଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ସୋନପୁର ବିନିକା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କତନଙ୍କ ଛକରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି ଜବତ 62 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯିବା ସହ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଗଞ୍ଜେଇର ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ବିନିକା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର କତରଙ୍କ ଛକ ନିକଟରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିକୁ ଅବକାରୀ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଟକାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା 2 ଦିନିଆ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ 56ତମ ସମ୍ମିଳନୀର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ଶନିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ 56ତମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାଇବର ଅପରାଧ ଡାଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ମୁକାବିଲା ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଦମନ ଏବଂ କାରାଗାର ସଂସ୍କାର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଆଜିର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିନରେ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପୋଲିସ ସେଟ୍ଅପ୍ର ଆଧୁନିକରଣ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ 2014 ପରଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଡିଜିପି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ପୂର୍ବ ପରି କେବଳ ସାଙ୍କେତିକ ଉପସ୍ଥିତିର ବିପରୀତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଡିଜିପି ସମ୍ମିଳନୀର ସମସ୍ତ ଅଧିବେଶନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ ନୀତି ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ପରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସିଧା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ହିଁ 2014 ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଏଣିକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଶର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି
आज राजस्थान सरकार रे कैबिनेट पुनर्गठन शनिवार अशोक गहलोत सरकार समस्त मंत्री इस्तफा देबा परे आज हेबाकु थिबा शपथ ग्रहण कार्यक्रम रे 15 जन मंत्री पदर शपथ ग्रहण करिवे। एथिरे 11 जन कैबिनेट मंत्री भाबे शपथ ग्रहण करिवे। एथिरे 8 चेहरा नुआ थिबा बळे 3 जन को राष्ट्रमंत्री रु कैबिनेट मंत्री हेबे। सेपरि 4 जन राष्ट्रमंत्री भाबे शपथ ग्रहण करिवे। दीर्घ दिन मंत्रिमंडल संप्रसारण को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट बिवाद लागि रहिथिला। एहारि भितरे नुआ मंत्रिमंडल रे पायलट को गोष्ठी रु 4 जन को सामिल करा जायछि। भारतीय नौसेना को मिलिप शक्ति सामिल हेबो आईएनएस विशाखापट्टनम एवं बुड़ा जहाज बेला। आज आईएनएस विशाखापट्टनम नौसेनार कमिशन हेबाकु थिबा बळे नवंबर 25 रे सामिल हेबो सबमरीन बेला। एही अवसर रे मुंबईर नाभाल डॉकयार्ड रे एक स्वतंत्र उत्सव आयोजन करा जिवो, जेउठी केन्द्र प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि भाबरे जोगदे आईएनएस विशाखापट्टनम को नौसेनारे सामिल कराइबे। यहापर 25 तारीख दिन एक उत्सव में नौसेना मुख्य आडमिराल करमवीर सिंह बुड़ाजहाज बेला को सामिल कराइबे। यह दुईट स्वदेशी ज्ञानकौशल निर्माण कर नौसेनारे आईएनएस विशाखापट्टनम और बेलार सामिल को भारत प्रतिरक्षा शक्ति एक माइलस्टोन कह रास्तारे असहाय लघुचाप और कोहला पाग ना शोवाक दे बचा को भुवनेश्वर विभिन्न स्थान रे रास्ता कड़े शीतरे शो राति काटुं असहाय। हाइकोर्ट को निर्देश कहीं असहाय रास्त शोपे ना से कोटि कोटि टंका खर्च हो निर्माण हो रात्रि आश्रयस्थल सेपटे कि प्रचार सर्वस्व योजना और बास्तवता भितर रही आकाशपात फरक रास्त असहाय शीत आरंभ हो लघुचाप और कोहला पाग ना शोवाक दे बचा को असहाय बोली खोला आकाश को रास्ता कड़े बीतुची जीवन एम शरीर शीतर शास्ति भोगुंती आम व्यवस्था देखि आखि बुझुंट मान्यवर हाइकोर्ट निर्देश देखते कई असहाय रास्त शोबे ना से कोटि कोटि टंका खर्च हो निर्माण हो रात्रि आश्रयस्थल प्रचार सर्वस्व योजना और बास्तवता भितर आकाश पाताल फरक समय शनिवार राति 11:30 ये थिला राजधानी राम मंदिर निकटर दृश्य। जड़े असहाय वृद्ध बयस पखापाखि 60 हेबो बैग उपर मुंड रखी रास्ता कड़े अधा घोड़ा देहर शोचंती आ महिला दुख कहले न सरे निजर दुई छोट छुआ धरी रास्ता कड़े शोवाक बाध्य होती शिशुटी को देखिले आपण मन को आपे आपे आह आसीज देहरे गोटे भी शीत वस्त्र ना बेले केवल सार्ट टीए पिंधि राति काटुची आपण केते दिन हला एठी एमती बाहरे सोउचंती मा आगु रहउतली 5 मास हला रह नै जाइतले अंधारुआ एठी जो बाहरे सोउचंती ठंडा होची छोटो छुआ को धरी सोउचंती असुविधा होउनी कष्ट लगनी असुविधा हले कोन अवसर त सुविधा मिलुनी आउ सुविधा मिलतल छ न के जाई रहउता बीएमसी वाला का आसीबा को नउ नांती शेल्टर नबागु आउचंती तो आमे त सब बाबू सब बेल पानी डाली भात खाई रहि खाइबा भलो दउ नांती नाइ खाइबा भलो नाइ पिला माने पार्टी गले अंधारुआ रे दिरा झ अछंती बाडैले मते भुवनेश्वर रेल स्टेशन दृश्य देखा मिली सामान दृश्य शीतर दाऊ बचाप लोके पिंधुंत कौन उपाय आपणती रास्ता कड़े शोवाक बाध्य शीतर रक्षा पाइबापी ना देहर अच्छी भल कंबल ना चादर अधा घोड़ा देहरे रास्ता कड़े थरी थरी बीतुची राति मो भाई एडी रोयार 5 वर्ष हो 5 वर्ष हो खाऊ जो केमती कोन खाऊ जो होटल रु केने केरे खाऊ जो पैसा बतर बेले बतल बतल गोटा ओडी करछु बतल बतल गोटा रे करले कम पैसा दउचन दे हमको से जो आश्रय स्थल की जाउछ ना दाव ना चाबी पड़ी गेलन नहीं आमी जाऊ छु मात्र आमी गल्ला रो टाला पड़ी जाय छे ना बिको मागी के आमी खाइबु छ ना आससोळ आमी जीवनो डाली बा त के खाइबो दरकार नै ना एमदी बिको मागी के चा कबटी ए ताकुटी के मागी खाइ दउ सेटा जचष्ट आ गया से जागा का मैं जीवनो आ ए हुची राजधानी रो राजमहल छक एठी भी देखिबा को मिलतिला समान अवस्था
राजधानी शीत काकर रास्ता कड़े शोबेनि निराशय राज्य सहरांचल उन्नयन संस्था बा चुड़ा को एथिपाई निर्देश देथिला बीएमसी एटी प्रश्न उठुची केते दूर कार्यकारी होची निर्देश काहेकि निराशय प्रति आखि बुझी देछि प्रशासन कौन करुची बीएमसी केबे दूर हेबो एई निराशय मानक दुख ताही देखिबाकु बाकी रहिला। ब्युरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। देखिबा परवर्ती खबर। भद्रक जिले रे पालित हो जायछि जिला स्तरीय गणदौड़। उत्कल केशरी डॉक्टर हरेकृष्ण महताब 122वां जयंती उपलक्षे एही गणदौड़ कार्यक्रम अनुष्ठित हो जायछि। एथिरे भद्रक जिला युव पीढ़ी माने सहर रे थिबा महताब छक निकट रे महताब प्रतिमूर्ति रे पुष्पमाल्य देबा परे गणदौड़ कार्यक्रम आरंभ होइथिला। एही गणदौड़ रे अनेक विशिष्ट लोक माने उपस्थित रहिबा सहित बहु युव पीढ़ी माने गणदौड़ रे भाग लेथिले। दिनकु दिन राज्य में बढ़ी चली मद कारबार। राज्य में मद कारबार को प्रोत्साहित करुछन्ते सरकार। मद पी अनेक युवक पथभ्रष्ट होता बेले अनेक परिवार उजुड़ी जाउछि। यहाँ विरोध कर आंदोलन को ओह्लाई मद मुक्ति युवबाहिनी। आज कटक जिला नियाली रे युवक माने मद मुक्ति ओडिशा दाबी नहीं प्रभात फेरी अनुष्ठित होता। ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री नवकृष्ण चौधरी 120वां जन्म जयंतीर अव्यवहित पूर्वर समग्र ओडिशार विभिन्न स्थान में मद मुक्ति युव बाहिनी पक्षर मद मुक्ति दावी विक्षोभ अनुष्ठित होई। आज कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य होची ओडिशा रु संपूर्ण मद बंद होगापी। आज आम जो कार्यक्रम करूँ स्वर्गत प्रधान मुख्यमंत्री नवकृष्ण चौधरी जन्म जयंती उपलक्षे आसंता 23 तारीख जन्मदिन कितु आज जेहेतु रविवार अच्छी आम साथी मैंने सब एकाठे संपूर्ण ओडिशा रु मदमुक्ति कार्यकाल जो थी निशा निवारण आईन गोटे से प्रणयन करने आम दाबी रोज। आज माँ को सुरक्षा दे पारे निज भौणी को सुरक्षा दे पारे राजरास्तार मदुआ कबल के जीवन जा ठीक ना हेले आम कही बोलूँ कौन आम हूँ सरकार आम हूँ गोटे पर हेले जदि सरकार गोटे पर मूल्य बुझंता तार केते माठ केते छुआ को अलग करी तहार भी हृदय विदारक दृश्य हृदय कथा सरकार निजे बुझीपारे आज्ञा से सरकार तो बुझे हेले आम संसार को निजर परिवार तथा मदमुक्ति जो निज पर गढ़ी तोली समय चेष्टा करूँ जे सारा विश्व को सारा ओडिशा को मदमुक्त रूप से गढ़ी तोली गांधीजी स्वप्न साकार करूँ तथा दिवंगत राजनेता तथा नवकृष्ण चौधरी 1956 मसीह आईन को साकार कर सामान्य गुंडुची रूप गुंडुची मूसार भूमिका निर्वाह करूँ। जदि आमर जो बारंबार बारंबार दाबी सरकार न शुणती आगामी दिन में आम प्रति गली कंदी रे ए आंदोलन जारी रखिबू एवं प्रत्येक मदमुक्ति युव बाहन प्रत्येक कर्मी एवं माँ भौनी माने भी आग लाइन आग धाड़ी आगे आसवे। आभ्यंतरण तमिलनाडु तथा पार्श्वर्ती रयाल सीमार उपकूल आंध्रप्रदेश दे आभ्यंतरण ओडिशा चाय समुद्र पतन ठार 1.5 किलोमीटर उपर निम्न चापरेखा सक्रिय रही। यार प्रभाव में ओडिशा कोहला पाग सह किछि जिले लागि रही हालुका वर्षा। तेज आज दक्षिण ओडिशा रे वर्षार प्रकोप वृद्धि पाइब। आंचलिक पानीपाग केन्द्र सूचना अनुसार राज्य में आहरी 2-3 दिन पर्यंत कोहला पाग लागि रहिबो। दक्षिण ओडिशा रो किछि जिले में हालुकार मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रही। आज दक्षिण ओडिशा रे वर्षार प्रकोप वृद्धि पाइब बोली आंचलिक पानीपाग विभाग पक्षर आकलन करा जायछि। एहा सह रातिर तापमात्रा 2-3 डिग्री पर्यंत बढ़िपार संभावना रही। आसंता 4 दिन पर्यंत राज्य में विशेष शीत अनुभूत होना पानीपाग विभाग पक्षर सूचना मिली। बढ़ुची जल कष्ट। बिचणा ग्रामवासी शोष मेटाऊ पोखरी पा एने बारंबार जिलापालों समेत विधायिका को अवगत कराई सुधा कौन से सुफल मिल ना अभोग कर ग्रामवासी केन्द्रापड़ देखा रिपोर्ट। बिचणा गाँव में बढ़ुची जल संकट शोष मेटाऊ पोखरी पा केन्द्रापड़ा जिला पाटकुरा निर्वाचन मंडल पद्मपुर पंचायत अंतर्गत बिचणा गाँव में 1 नंबर वार्ड में लगि रही पानी जल समस्या। एही वार्ड में 200 रु ऊर्ध परिवार बसवास करुवा बेले मात्र गोटे नलकूप अच्छी आउ जेउतिर लौहयुक्त पानी बाहर स्वच्छ पानी जल व्यवस्था नथिबारु ग्रामवासी शोष मेटाउछि पोखरी पानी आउ एही पोखरी पानी को गरम कर छाणी पीवाई बाध्य होता कहते ग्रामवासी जहाँफल पेट रोग समेत किडनी जनित रोग से आक्रांत होता अभियोग। केवल से नुहे जिलार महाकालपड़ा समेत राजनगर में मध्य पीवा पानी समस्या देखाई एने बारंबार जिलापालों समेत विधायिका अवगत कराई
କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଣି ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପିଇବା ପାଣି ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଗୋଳିଆ ପାଣି, ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଯଦି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେତେ ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ଭଲ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମର ତ ଏଠି ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଆଇରନ୍ ବାହାରୁଛି, ଆମେ ସେ ଗଡ଼ିଆ ପାଣି ଆଣିକିରି ପିଉଛୁ, ଫୁଟେଇକିରି ଦେହ ପା ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ପାଣିର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ ଆଉ। ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ସେ ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କି ବାର ବାର ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ବୋଲି ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ଆଶା ରଖିଛୁ ଯେ ମିଳିବ କି କ'ଣ ଏମିତି। ସେପଟେ ଏହି ଗାଁର ଦୁର୍ଗା ପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏକ ବର୍ଷ ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଶାସକ ଦଳର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ପାଇଁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷେ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ପାଟକୁରା ବିଧାୟିକା ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସମେତ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁର ସରପଞ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ରାଉତ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୋରିଂ ପଏଣ୍ଟରୁ ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋର ଥିଲା ତ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟାଟା ସମାଧାନ କରିବି, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନି। ଆମର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ତ କନିଷ୍କ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତ ଆଉ ଆମର ବିଧାୟିକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରୁଛି, ତ ସେ ମୋର ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ପାନୀୟ ଜଳଟା ସମାଧାନ ହୋଇଯାଉ, ତ ଆମର ବିଧାୟିକା ମହୋଦୟାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଏଇ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବିଛେଇ ପାନୀୟ ଜଳ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଚିର ଉପକୃତ ହେବି। ମୋର ଗରଦପୁର ବ୍ଲକର ପଦମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ବିଛଣା ହରଦାସପୁର ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁ ଲୁଣି ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଯେତେ ଯାହା ବୋରିଂ ଖୋଳିଲେ ବି ଲୁଣି ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ RWSS କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନାୟକ ବୁଝି ଅଛନ୍ତି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେ ବୋଧେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଇଟାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଥିଲା ସେଟାକୁ ସେ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ମାସେ ଭିତରେ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। ଖରା ବର୍ଷା ଯାଇ ଶୀତ ଆସିଲା, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରଂ, କେବେ ବିଛଣା ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲିଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରେମରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପାକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ସହ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ଭାଇ ପଣିଆ। ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କୁ ନିଜର ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ପ୍ରେମ ଦେଖାଇ ଏବେ ଅଡୁଆରେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟିୟର ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟ ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁ। ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ଇମ୍ରାନ୍ ପ୍ରେମ, ପୁଣି ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ତଥା ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। କହିଲେ, ଇମ୍ରାନ୍ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ ଏବେ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରେମ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପାକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କରିଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା। ଭାରତ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରୁଥିବା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପଠାଇ ସୀମାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ପ୍ରତି ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଭାରତ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବିପଦ। ଖୁଦ୍ ସିଦ୍ଧୁ ଏବେ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ପ୍ରେମ ଆଉ ଭାଇପଣିଆ ଦେଖାଇ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚା। ସିଦ୍ଧୁ ସେହି ସମୟରେ ନିଜର ଇମ୍ରାନ୍ ପ୍ରେମ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ରାନ୍ ଚୀନ ସହିତ ମିଶି ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ। ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବଙ୍କ 552ତମ ପବିତ୍ର ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଶିଖ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତାରପୁର କରିଡର ଖୋଲିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହି ଅବସରରେ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହ ସିଦ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର କର୍ତ୍ତାରପୁର ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ ପାକ୍ ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଭରି ରହିଛି ନିଜର ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଇମ୍ରାନ୍ ପ୍ରେମ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭାଇପଣିଆ ବୁଝୁନଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଭାଇପଣିଆ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କରିଛନ୍ତି ଓକିଲାତି। ମୁର୍ଶିଦ ଆପଣେ ଦେ ଦର୍ତେ ମଙ୍ଗଣ ଆୟା ଏହୋ ମୁରାଦ ସାଡ଼ି ଚୋଳି ପା ସାଇଆ ଅମନ୍ତେ ଇତିହାଦ ଜୀବନ ସବ ମାମା ଦେ ବଚଡେ ବାପୁଆ ଦେ ଦିଲ ଶାଦ ଅମନ ଶାନ୍ତି ତେ ଆପସୀ ଭାଇଚାରେ ଦୀ ବାବେ ନାନକ ଦୀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਦਾ ਰਹੇ ਆਬਾਦ।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सिद्धू का ही इमरान प्रेम को नहीं एवं तांकू घेरी बीजेपी। सिद्धू का पाकिस्तान प्रेम बहु पुरुणा बोली कही चंती बीजेपी मुखपात्र संबित पात्र। जीवे जीवे पाकिस्तान कहा था इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने, मेरा यार दिलदार इमरान खान के लिए कहा था। और केवल इमरान खान ही नहीं, कमर बाजवा जो उनके आर्मी के चीफ थे, उनसे गले लगना, उनसे ये कहना कि मैं और आप भाई भाई हैं, यह सब भी हमने देखा है। आज फिर से अपने इस रिश्ते को दोबारा बड़े भाई के दर्जे में लेकर आए हैं। तेबे सिद्धू का इपरे मंतव्य को चिराचरित ढंग से कांग्रेस नेता माने समर्थन करथिबा बेले पंजाब शिरोमणि अकाली दल नेता माने मध्य एथिपाई तांकु निंदा करिसेंती। तो आप ये चीजें करके आप अपने आप को क्यों चीप पॉपुलैरिटी के दौर में आगे करते हैं? ऐसी चीजें आप करना नहीं चाहिए। अपने व्यापार की बात की, आपने बॉर्डर खोलने की बात की, आप ये मांग करें अपने देश के प्राइम मिनिस्टर से, अगर ये कंसेंट दें तो फिर आपने आप गुड ऑफिस यूज करके पाकिस्तान को मनवा लीजिए। सिद्धूंकर एपरि पाक आउ इमरान प्रेम यह प्रथम नुहे। दुई वर्ष तले करतारपुर साहिब गुरुद्वारा दर्शन आरंभ बेले सेठारे जोगदेई पाक सेना मुख्य ओ इमरान को सह निकटतर हेबा एवं सेमानंकु प्रशंसा करिबा सेतेबेले सृष्टि करथिला विवाद, एबे पुणी समान कथा को दोहराइछंती सिथु। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। समस्त रिच बुलेटिन को इठे रखुछु। नमस्कार।